अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान, मेरे इस चैनल पर सभी प्यारे व्यूवर सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुशामदीद। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन बटरफ्लाई। ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है अपने आप में, ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे बनाना बहुत ईजी, बहुत ही सिंपल है। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिया। इस तरह से क्यूब में कट लेना, क्यूब थोड़ा बड़ा साइज़ में होना चाहिए। इस तरह से एक बड़े साइज़ का आलू होना चाहिए, इस तरह स्लाइस में कट कर लेना है, स्लाइस कर लेना है। इसका आलू का साइज़ बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। कुछ यहाँ पर स्टिक है, ये है मसाला, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, ये चाट मसाला है, 1 टीस्पून है ये, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, काला नमक है, ये सादा नमक है एज अ टेस्ट है, और ये है कूटा हुआ काला है गोल मिर्च, थोड़ा मोटा भी कूटा हुआ है। अब चाहिए हमें ये रेड चिली है, चिली सॉस है ये, और ये केचप है चिली, ये टमाटर केचप है, ये चिली सॉस है। यहाँ पे ये मैं यहाँ मैं अपने पसंद से इसे ली हूँ। यहाँ पे चाहिए हमें चिली पेस्ट, पर मैं पेस्ट यूज़ नहीं कर रही, बहुत स्पाइसी हो जाएगा, इसे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। आप चाहे तो टमाटर केचप को स्किप कर सकते हैं, आप चिली पेस्ट यूज़ कीजिएगा। 1 टीस्पून ये सोया सॉस है, 1 टीस्पून ये लेमन जूस है। अब हमें चाहिए 1 लेमन जूस है ये, 1 टीस्पून सोया सॉस है, ये 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर है, दो टेबल स्पून ये मैदा है। हल्का सा इस तरह से पतला सा लिक्विड तैयार कर लेना है। इसे सबसे पहले इस जितने भी आलू के स्लाइस है इसमें डिप करके कम से कम 2 से 3 मिनट तक ऐसे रख देना है। इस तरह से सभी मसाले को इसमें मिक्स करना है अच्छे से, मिक्स करके कम से कम 10 मिनट तक रख देना है। नमक हो सके तो कम ही डालिए, क्योंकि सॉस में भी ऑलरेडी नमक पहले से ही रहता है। मैं इसे 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट हो चुका है, अब मैं इसमें रेड फूड कलर डालूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेना है, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, बच्चे बहुत शौक से पसंद करेंगे। आप चाहे तो कलर स्किप कर सकते हैं। चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं एक मसाला भूल चुकी थी जिसमें अभी डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी 1/2 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, इसे अच्छे से मिक्स करना है। मेरा होममेड पेपरिका पाउडर है ये, इसे बना के रखने से 2 से 3 महीने में इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। शुरू में थोड़ा रेड रहता है, बाद में इसका कलर थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाता है। अब इसे सबको अच्छे से स्टिक करना है, इसे जितने भी क्यूब हैं। इसे करना बहुत इजी है, एक मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से लेना है, यहाँ पर इस तरह से रखना है, इसे इस तरह से फोल्ड करना है, चिकन के साथ ही इसे लगाना है ताकि चिकन भी इसमें अच्छे से लग जाए। सब इस तरह से करके रखते जाना है। यहाँ पर जितने भी बाकी को सबको इसी तरह से कर लेना है। मैंने बहुत अच्छे से इसे स्टिक कर लिया है। इस तरह से स्लाइस जो आलू का है इस तरह से लीजिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं हो, बिल्कुल पतला भी नहीं हो, वरना टूट जाएगा। तो स्लाइस पे थोड़ा ज़्यादा आप लोग गौर कीजिएगा। इसे बनाना बहुत इजी है, बस स्लाइस जो है अच्छे से कट होना चाहिए। एक तरफ मैं तेल चढ़ा दी गर्म होने के लिए, तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए फिर इसको मीडियम फ्लेम कर दीजिए
और एक स्टिक इस तरह डालते जाएंगे। एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, 5-6 ही डालना है। एक पाव में 250 ग्राम चिकन में कम से कम 11 स्टिक तैयार हुए हैं। ये बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, आप अपने घर में बनाइए, बच्चों को दीजिए। इसे एक बार फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लगेगा, बहुत अच्छे से फ्राई जाएगा। हमेशा मीडियम फ्लेम पे करें ताकि अंदर से भी ये कुक हो जाए, कच्चा ना रहे। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले स्पाइसी नहीं डाले जाते क्योंकि इसका सॉस जो होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, इसलिए ये इस तरह से बनाया जाता है, बच्चे इसलिए पसंद करते हैं। इसे मैं पलट देती हूँ और इसे मैदे और कॉर्नफ्लोर से कोट करने से क्या होता है कि बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होगा, ये आलू जो क्रिस्पी हो जाएगा, ये सॉफ्ट नहीं लगेगा। देखिए अभी भी क्रिस्पी दिख रहा है ये। चिकन बटरफ्लाई बनके बिल्कुल रेडी है, मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा से बना है, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। इसे सॉस के साथ खाइए, बहुत खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आता है। इसे मैं मोमोज़ की चटनी है ये, और ये शेज़वान चटनी है, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली रेसिपी है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, तो मैं इसे आप लोग के लिए ज़रूर इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बच्चे से बहुत पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरी इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।